मेरा नाम जी मोहम्मद असाद खान। जिले पहले मैं बरकियात में नौकरी करता था। जिले आने तो बाद नौकरी छोड़ दी थी। तो हूँ मैं UNDP में नौकरी कर रहा, बूटे लगे मुझे सिलेक्ट था। मेरा नाम राजा मोहम्मद हफीज है और मैं 10वीं जमात भी पढ़ता। पहले टाइम स्कूल ही जाता, दूसरे टाइम स्कूल तो वापस आके जेल से किश्ती चलाना। इंग्लिश है लेकिन महारत मुहरत है, इतनी 10वीं महारत इतनी नहीं होती, लेकिन अपनी क्लास के लिहाज ना इंग्लिश ठीक है। वजीबाद इलाका है, ग्रां जो है बिल्कुल सहरा सा, बूटे से सब बूटे से हर चीज होती है, फ्रूट होना सा। स्कूल है सा, बच्चे पढ़ते से, मस्जिद से, मकान से, 100 मकान से। जलजला आया, मैं हटिया सा,
बाजार बिच जो जलजला आया जमीन चढ़ हुई मैं सोचा क्यामत हो गई। थोड़ा मैं नस्या और आगे खल था आना जलजला था कट गया। बस मैं सोचा यार हूँ क्या करूँ। बस मैं घर ही घर दौड़िया होता मिट्टी ऐसी बहुत ज्यादा बुरी लात हो गई। इधर आया कि ग्रां रुड़िया मेरा मकान जो पहाड़ी उतार सा जो पहाड़ी रुड़ी है मकान नाले बिच आ गया दबे गया तला तो बच्चे जो सब कुछ जो भी है सब मतलब तला गया बच्चे माल मवेशी है सब कुछ जो पहाड़ी तला गया बाद 250 बंदा जो स्लैट तले आया तो बाकी कोई नैणा के लोग आए बिच चोलिया के बेल दे जला आने नाल जो पहाड़ उधर इधर आ गया डिप लग गया उस बाद झील बन गई है जले बाद वाचर लगे मैं स्लैट तो बूटे लाए दोबारा चलाऊंगा कि पैसे पैसे कमा के घर का गुजारा चल जाए उस बाद में भी अपनी तलीम जारी रख सकता। जी झील वाल गुलजाल झील आते हैं ये जलजले तो बाद बनी है। इस झील का पानी एकदम इकट्ठा नहीं होया बल्कि 2-2.5 साल के दरमियान थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा इज्जत तक पूरा जलजले तो पहले एक नाला सी और बहुत थले से जगह तू नाले भी जंदर हूँ सन अस जो जाए तो दौने लेके जंदर पर जाते तकरीबन इज्जत जी पॉइंट अस बैठे थे इस जगह तो बुन तकरीबन आधा घंटा पैदल और लगता सी इतना पानी मसलन कैवरेज करके ऊपर आ गया इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर गहराई 370 तो ज़्यादा और इस जड़ी चौड़ाई 850 मीटर जो झील देखते हैं चीज नजर है जो असें कच्चे मकान हुए और उस बगैरा जी ग्वालां वगैरह हुई माल बच्चा हुए उस चीज़ें याद है।
जदों मैं सारे इतों कह के जुलदा जो मसलन पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर तो आए हुए हैं जदों असं उस जाए जाके उन्होंने लड़ते हैं और आप कहते हैं और असी इतनी देर जितनी देर सैर तफरीक करते हैं असं अपना वक्त गुजारे से दवाए मकसद वगैरह जो जाए शुद्ध दवाए मकसद पढ़ते हैं और उस तो बाद जो टूरिस्ट हैं वो भी मसलन दवाए मकसद पढ़ते जो इबरत हासिल करते। हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ तो इतना वो फीलिंग्स नहीं थी जो यहाँ आकर हुई हैं हमें। वहाँ बिल्कुल लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पॉइंट बने हुए हैं, लोग हैं, गैदरिंग है, वहाँ हंसी मजाक सब कुछ है। लेकिन जैसे आप इस तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ये स्लाइडिंग देखते हैं आप, तो आप देख लेंगे वहाँ स्लाइड के बिल्कुल एज पर भी लोग रह रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ जो उनके पड़ोसी थे, जो उनके साथ वाले लोग थे, रिलेटिव्स थे, वो सब इस वक्त इसके नीचे दफन हैं लोग कुछ। तो यहाँ अगर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक ऐसी फीलिंग छा जाती है कि आप शायद बोल नहीं सकते बिल्कुल। ये खुशी मनाने की जगह तो नहीं, जो भी यहाँ पे आएगा साहब जा रहा है देखेगा तो दिल तो उसका भी एक मर्तबा जो है ना महसूस तो ये वो भी यही करेगा जो हम लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत परेशान हैं ये जगह देख के। रास्ते में हम लोग यही बातें करते हैं, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये जगह देखी है तो आगे आने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, देख रहे हैं। सेहत और सेहत वाले जो लोग ने इधर उन्होंने देख के मैं अपने बच्चे याद आने, अपने लोग याद आने। उस बाद फिर मैं सोचता मेरा दिमाग भी दर्द हो जाता, मैं वापस घर चला जाता अपनी अम्मा को, फिर आना मुड़ गया दोबारा। ड्यूटी बाद मैं वापस आना अपने कैंप में, मेरी वालदा रही है। मकई का पेय आया चाय गेम ये टोकते पग हैं टोकते ना सीखते हूँ याद आई गए उसी ना आई देखे उसी जो रुला सा रुलते लगे मियाँ तस्वीर रो लिया नमाज पढ़ तस्वीर रो लिया उतरी कैसे सेरा जेन उन्हें काम नहीं करता ना सचवाली तो इतनी बड़ी क्या देखे गए जैन तो इतनी बड़ेड़ इतनी उम्र बहुत ज्यादा ना जिन्या दो के बाद ही जिन्या आई है और आदमी तुम भरसम भर सकते हो ना भर सकते ना। ओ कई कार देखे तुम उठे ही सारे गए राना पर गया पहले जल्दी बाद बच्चे 84 आदमी रह रहे थे होने से 143 हो गया इजाफी हो गया लोग तो ऐसे ऐसे लोग जिधे मर गए मतलब कोई एक एक रह गया खानदान बेच कोई मूल खानदान ही खत्म हो गया और लोग स्लैट दे तला गए तो होने से इस कैंप के बेच रह रहे हैं। वापस आ गया बहुत उधर देख कर बहुत दीदी रहे अपनी जगह वो तो अपनी जगह जैसे पार मकान है वो तो लोधिया बाद अच्छा अच्छा ठीक उधर इतना दिमाग दर्द होता ना जो
बहुत सिरा ही दर्द जुलजला हो ना उस दिन अस आईया मैं रूढ़िया स्लैड वे गागर च आई दी अगर गठिया हुई अस कुड़ी उस कुड़ी नाल राती अस उत ही रही दुए दिन 9 बजे अस काट के बाहर की कुड़ी पिछे पहले में गई काट के पार छोड़ फिर कुड़ी चा खड़ी है जिथे गठिया रही अपनी जगह का भावें बट्टे मिट्टी है फिर भी असं लोगों अच्छी लगती असं आस्ते अस उ जुलंगा रोवान अपनी जाग सब जी नहीं भावें बट्टा होवे तो बट्टे का भी रहना पुआ रहना पैदा अपने मुल्क की मिट्टी अच्छी होती बड़ी खतरे जगह साइड शिफ्ट हो जलो और कोई जगह ही नहीं कोई आ रही है सिलेक्ट के करिए अपनी जगह छोड़ अपनी जगह अपनी होंगी है इतना जलजला आया इतना तूफान आया क्यामत आई फिर अस अपनी जगह छोड़ के कितने भी नहीं गए आज तो चलो उस टाइम तू आई फिर थोड़ा मसला बेचला सही गल है अपनी जगह बगैर सुकून नहीं के फुल के जलजले हो रहे हैं अच्छा कल परसों आया एक जलजला हां जी पांच जुलसो नहीं बस कार जुलला है काश है कब का जुलला रोटी छोटी खा ठीक है अल्लाह सवारी ठीक सवारी मैं मतलब अपनी जिंदगी नाल खुश हाँ इस वास्ते कि इतना मैं आना बूटिया नू पानी देने की नई जिंदगी पैदा हो रही है और ग्रीन कलर हो रहा जमीन तक तो असें अपने लोग दफन हो जाए जिन्हें दफन हो जाए चलो जमीन तो सफाई सफाई करते हैं असी जलजले च मसलन जो हो मसलन होया मसलन कोई ज्यादा जख्म नहीं करें जो दिल में जख्म आए जो हालात देखे ने क्यों देखी है वह जख्म हूँ 3-4 साल के बाद आस्ता आस्ता जो मोकी आए और उस तो बाद जी झील अल्लाह ताला कुदरत तरफ झील दी है उस झील से मसलन अस दोबारा रोजगार दोबारा अस जिंदगी बहाल हो गई अस जो लोग मकसद मर गए उन्होंने बंदा मर नहीं सकता जिंदगी तो गुजार नहीं है मेरी ये कोशिश है कि झील जिस तरह चल रही इस तरह सारो सब रख सी सब लोगों अच्छी रिस्पॉन्स लोगों को दे स और अच्छा सिस्टम असल लोगों को अच्छे अखलाक न पेश आ स मैं लोगों को गुजारिश करदा कि इतना आने गंद ना करें बूटे ना पटेन इतना मगर पेशाब ना करें कॉपियां ना पीवन तस्वीर ना बनावन तो तौबा करें दुआ करें फातह लोगों शहीदों से ये शहीदें सदके सब कुछ झीलें बनी इतना सब नजाम लोगों अपना रिजक लगे असी यही गल पहुँचा सकते हैं कि अस जेल की डिवेलपमेंट होनी चाहिए आखिर दम तक जो मैं डिप्टी देना रहा सर इतना सफाई रख सी अल्लाह ताला तरफों से कुदरती जेल मिली है इस गिफ्ट का पूरी जिंदगी मैं अपने ना रख सूरी जिंदगी मेरा इसने वास्ता रह सी